वेलकम फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोल सिक फीचर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली गोल सिक ये जो फीचर है ये हमें मिल जाता है डेटा, और डेटा के बाद जो भी आपका स्टेटमेंट जैसा कि व्हाट इफ एनालिसिस में, तो इसमें ये आपका गोल सिक फीचर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी गोल सिक फीचर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देता हूँ। गोल सिक एक ऐसा फीचर है जो कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब तक आपका जो भी टारगेट होगा, जो भी आपका ऑप्टिमम रिजल्ट होगा, जब तक वो आपको मिलता नहीं तब तक वो वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही करते हैं हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड करते हैं और वो टारगेट के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट देगा। ये जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक वो कैलकुलेट करेगा। तो गोल सिक का मतलब होता है टारगेट को ढूंढना। ठीक है, तो यही फीचर है, इसमें आप ट्रायल और एरर बेसिस पे जितने चाहे उतने एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, उसके पहले मैं पहले बता देता हूँ कि वो अप्लाई कैसे करेंगे गोल सिक को। तो गोल सिक के लिए यहाँ पे तीन पैरामीटर है। पहला पैरामीटर होगा सेट सेल, उसके बाद में टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में यहाँ पे आपको देने पड़ता है जहाँ पे आपको वैल्यू शो करना है वो वाला सेल, उसके बाद में टू वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू आपको, जितना आपका टारगेट होगा वो वैल्यू शो करने के लिए उसका आपको डिजिट देना होगा। फिर उसके बाद में बाय चेंजिंग सेल, जहाँ से आपको वैल्यू चेंज करके इस वैल्यू को अप्रोच करना है वो वाला सेल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे हम चलेंगे। तो ये होगा आपका रेफरेंस, यहाँ पे आपका वैल्यू मतलब आपका टारगेट वैल्यू, गोल वैल्यू, और यहाँ पे गोल के साथ जो भी आपका ट्रायल और एरर का जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस के बाद ये टारगेट कितना आएगा और कहाँ पे दिखाएगा। तो हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू देने के टाइम पे सेट सेल टू वैल्यू एंड चेंजिंग सेल यहाँ से देना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है रनर और एथलेट का टाइम के हिसाब से, और दूसरा जो एग्जांपल है सब्जेक्ट परसेंटेज और जो भी एकेडमिक ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो एग्जांपल है रनर का, तो मान लेते कि रनर ए और रनर बी है यहाँ पे। तो ए रनर यहाँ पे कुछ जो भी रनिंग के टाइम पे कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 4 मिनट में, क्योंकि टोटल टाइम इन मिनट में दिया है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये लैप टाइम है, मतलब 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक 4 मिनट लगते हैं, और 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर 6 मिनट, ये हो गया 10 मिनट। उसके बाद में 2 से लेकर 3 तक 11 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमने सम से निकाल लिया है। देखो यहाँ पे मैं वापस एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला देखो, ये होगा 21 मिनट। उसी तरीके से रनर बी के लिए कुछ 5, 6 और 9 के हिसाब से कुछ मिनट यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल टाइम जो लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 12 मिनट लगते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि अगर ए को हराना है या ए का टारगेट अप्रोच करना है, अचीव करना है, तो बी को 20 मिनट जब लगेंगे टोटल ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो मान लेते कि ए यहाँ पे लॉस हो जाएगा और बी विन हो जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ मैंने फंडा लगाया। ठीक है, तो मान लेते कि 21 मिनट ए को टाइम लगता है और बी को 23 मिनट लगता है, तो मैं कहाँ पे कौन सा टाइम कहाँ पे बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे 20 मिनट का टोटल ट्रैवल टाइम आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे बी को 20 मिनट में पूरा 1 to 3 किलोमीटर जो भी टाइम होगा 3 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितने मिनट में, 20 मिनट में। क्यों, क्योंकि मुझे 21 से कम है 20, मतलब मुझे 1 मिनट से पहले जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊंगा मैं डेटा में, डेटा में जाने के बाद में व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है। ठीक है, मैं जाऊंगा गोल सिक पे, गोल सिक पे जाने के बाद में पूछ रहा है गोल सिक सेट सेल कहाँ पे सेट करना है, इसको सिलेक्ट करो और ये 23 को मतलब G5 को सिलेक्ट किया। ठीक है, G5 को करने के बाद में इसको करो ओके, कितनी वैल्यू चाहिए, मेरा टारगेट मिनट कितना है 20 मिनट का, ओके 20। उसके बाद में बाय चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल कहाँ पे करनी, मुझे मैं मान लेता हूँ कि ये 12 मिनट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा कि मैं यहाँ पे मेरी रफ्तार बढ़ाऊँगा, तो इसको मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, मान लेते। ठीक है,
और इसको करते ओके। ओके करने के बाद में ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने कैलकुलेट किया है, ओके कर दें तो मुझे 20 मिनट का ट्रैवल, जो भी टाइम 3 किलोमीटर का ट्रैवल 20 मिनट में कवर करने के लिए मुझे तीसरे लैप पे 9 मिनट का टाइम लेना पड़ेगा। कितने मिनट का? 9 मिनट और कुछ यहाँ पे माइक्रो सेकंड पे कुछ जो भी होगा सर। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो पहले इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, एज इट इज में जो भी टाइम रहेगा वो रहेगा। उसके बाद में 2 किलोमीटर का जो भी लैप्स आएगा उसमें 6 मिनट का टाइम रहेगा। लेकिन जब 3 मिनट का रहेगा तो यहाँ पे मैं 12 मिनट का टाइम जो ट्रैवल कर रहा था मैं पहले टोटल, तो मैं वहाँ पे कम करूँ, मतलब टाइम कंजम्पशन यहाँ पे मैं कम कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे ये वाला टारगेट अचीव कर सकता हूँ। ये होगा एक एग्जाम्पल। और दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एग्जाम ईयर 2019 और 20 दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एकेडमिक ईयर के हिसाब से कुछ 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो ये 5 सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल मेथड है, एमपी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेकाट्रॉनिक्स, फिर डीएमई जो भी कुछ होगा, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट के वाइज कुछ रिजल्ट निकला है और उसका यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला है, ठीक है। तो ये एवरेज हुआ 65 और यहाँ पे 2019 में आया था 66। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे यहाँ पे टोटल परसेंटेज जो है मुझे यहाँ पे 70% चाहिए, मुझे 5% बढ़ाना है, तो मैं कहाँ पे बढ़ा सकता हूँ? सबसे ज़्यादा कम रिजल्ट कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, 40% का। तो मैं यहाँ पे कितना, अगर कितना परसेंट यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे टोटल परसेंट 70 हो जाएगा। तो ये मुझे फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप गोल सीक प्रॉब्लम जो भी कुछ सॉल्व करोगे कंडीशन, तो आपका जो भी सेट सेल रहेगा वहाँ पे फॉर्मूला जरूर अप्लाई होना चाहिए। कौन सा भी आप मैथमेटिकल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन फॉर्मूला होना जरूरी है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ विदाउट फॉर्मूला कैसे होता है, देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 65, सिर्फ 65 लिख दिया विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन एवरेज 65 आता है, तो मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेटा में जाऊँगा, एनालिसिस जो भी व्हाट इफ स्टेटमेंट में जाऊंगा, ट्रायल एरर मेथड में, फिर गोल सिक को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। गोल सिक को जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे सेट सेल में दे दूंगा ये 60 बार, ठीक है, क्लिक किया ओके। कितना परसेंटेज चाहिए मुझे? ओवरऑल 70 हो गए। बाय चेंजिंग सेल, कहाँ पे चेंज होगा? अगर 2020 में डीएमई का रिजल्ट 40 से कितना परसेंट ऊपर जाएगा, ये मान लेते कि इतना परसेंट ही आएगा मान लेते, और ये डीएमई का इतना परसेंट में बढ़ा है तो यहाँ पे 70% आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके करूँगा और ओके। जैसे ओके किया यहाँ पे बोल रहा है सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल का आपको फॉर्मूला होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे एक बार वापस मैं अप्लाई करूँगा कितना एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 65, एरर निकाल दो यहाँ इसका, इग्नोर करो उसको। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, इसको सिलेक्ट करो, सेट सेल कौन सा, ये वैल्यू क्लिक करो ओके। कितना परसेंटेज चाहिए? 70% का ओवरऑल रिजल्ट चाहिए मुझे ओके। यहाँ पे क्लिक करो बस चेंजिंग सेल, किसको चेंज करना है? ये 40% को, ये वाला सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज किया उसके साथ और उसको करेंगे ओके। ओके करेंगे बाद में यहाँ पे करेंगे वापस ओके, ठीक हो। अभी ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे कई कई बार यहाँ पे मैं देखो ये आ रहा है आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा परसेंट में, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा एक बार। अभी ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे नंबर जो लगा मैंने परसेंटेज में लगाया, ठीक है। तो मैं वापस एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेटा में गया, व्हाट इफ स्टेटमेंट, गोल सिक और सेट सेल को चेंज किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया ओके। कितना वैल्यू चाहिए? तो मैं यहाँ पे 0.7 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये 0.7 × 100 मतलब जो भी कुछ 70% आएगा, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, इसको क्लिक करो 40 पे हो गए ओके ओके। देखो अगर डीएमई मतलब लास्ट सब्जेक्ट का 65% अगर रिजल्ट आया, ये पकड़ के ये तो ऐसे रहेगा, सिर्फ ये आएगा 65, तो टोटल का एवरेज आएगा 70%, मतलब 2020 में अगर ये रेंज रही तो उसका रिजल्ट 70% आएगा, ठीक है। यही था आज के वीडियो में। अगर कुछ टारगेट वैल्यू आपकी सेट होगी
अगर सेट करना है तो आपने पहले सेट करो, फिर उसके बाद में वहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे दे दो, और उसके बाद में कौन सा वैल्यू चेंज होगा तो आपका टारगेट चेंज होगा, उसको आप सेट करो। यही है गोल सिक का बेसिक फंडा। ठीक है, थैंक यू।